जिसने इस काम पर नजर गिरी आज लो वह सरकार रही नहीं। चौधरी साहब पर जिन्हें नजर डाली वह सरकार अंत ध्वस्त होगी। तो अब फिलहाल हम जहाँ पहुँचे हैं ये राकेश टिकैत का गांव सिसौली है। हमारे 600 किसान शहीद हो गए, उनका पता सता ले जा रहा है। मोदी का अंबानी अडानी का बच्चा पैदा होता है तो सब मोदी खिलाने जा, मोदी तेरा इलाज करेंगे एकदम। एक मिनट मगर राजनाथ सिंह को खुली छूट दे दिया सरकार तो मामला एकदम सोल्व हो जाएगा तुरंत। कैसा वाला कर रखा? हाँ ले आओ दिखाओ जरा। तेरी उम्र तो थी नहीं जब हुक्का अराग गया जहाज में, विदेशों में हवाई जहाज मंगाए हुक्का। हाँ ये तो हुक्का हो ये वही टिकैत साहब वाला। हाँ टिकैत साहब वाला हुक्का है, हवाई जहाज मंगाया। हाँ हमने नहीं बना, आप लोगों ने चुन मोदी ने बना। हाँ इन्होंने तो लाल किला इंडिया गेट सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, तेल बेच दिया। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश में लगातार हम घूम रहे हैं और एक के बाद एक विधानसभा में जाकर वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। बिजनौर से लगातार हमने पिछले 4 दिनों से तस्वीर दिखाई कि बिजनौर के क्या हालात हैं, वहां के लोग क्या चाहते हैं, चुनाव से पहले वहां का क्या मुद्दा है, ज़मीनी मुद्दे पर किन मुद्दों पर जो है वो लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। तो अब फिलहाल हम जहाँ पहुँचे हैं ये राकेश टिकैत का गाँव सिसौली है, तो सीधा सिसौली के लोगों से बातचीत करेंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ से 200 मीटर के दूरी पर राकेश टिकैत का घर है, तो तमाम लोग हैं उनके गांव के। तो क्या टिकैत साहब हैं घर पे? नहीं है। नहीं, टिकैत साहब तो आंदोलन में है दिल्ली। हाँ, नहीं बड़े वाले, बड़े वाले क्षेत्र में जा रहे कहीं। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा फूल सिंह बालियान। अच्छा, क्या लगता है कि क्या माहौल चल रहा है फिलहाल? माहौल तो बिल्कुल भाजपा के खिलाफ है। 4 साल हो गए, गन्ने का एक रेट नहीं बढ़ा, कोई गाँव में विकास नहीं हुआ। यहाँ का जो विधायक है उसने कोई एक विकास नहीं करा क्षेत्र में, पिछला पेमिट हमें मिल नहीं रहा। हर बार किसान तो भैया लोकदल के साथ है जी। हाँ पूरा गाँव क्या लोकदल के? पूरा गांव, हाँ जी 90% गाँव लोकदल के साथ। और 10% फिर कहाँ गए? 10 पता नहीं कहाँ ही चला जाएगा जी। अच्छा, जहाँ मर्जी वहाँ चले जाएंगे। हाँ जी हाँ हाँ जी। तो राकेश टिकैत की जिस तरीके से छवि जो है निकल कर सामने आई है, क्या सोचते हैं आप लोग, गांव के लोग हैं क्या सोचते हैं? भाई जनता की भावना थी जी, जनता जुड़ गई सब एक साथ। दिक्कत है सब, है ना पेमिट मिल रहा, बिजली के बिल बढ़ गए, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा और सब चीज पर रेट बढ़ गए जी, विकास कुछ हुआ नहीं, तो लोग दल को ही लोग याद कर रहे हैं यहाँ पिछले। अच्छा ये बताइए, पिछली बार आप लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई थी, अचानक से क्या हो गया इतना सारा? भाजपा की तो अंधे होकर सरकार बनाई थी, पर बने तो नहीं है काम। अच्छा, नुके सड़क बनवा दी, सड़क का नुके पिताजी ने बनवा दी, हमारा पैसा था, हमारा टोल टैक्स जावे, हम पैसे देंगे तो हमारे पैसे से सड़क बनी, विकास हुआ हमारे पैसे से तो हुआ। यहाँ मुंडभरते सड़क टूट रही, भाजपा वालों ने भी आंदोलन करा, जीवता वो सड़क नहीं बनी। अच्छा महापंचायत में गए थे? महापंचायत में गए थे जी। हाँ जी, भीड़ देख के कैसा लगा? नहीं भीड़ देख के तो खुश हो गए भाई, इतना अपने सब भाई सब मिले, सब इकट्ठे हो गए इतने दिनों में हुए। और आप मीडिया के हम सब आभारी है, आपने सिसौली ने किसानों को जो है दिखाया, तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले भी हमने दिखाया है। हाँ नहीं तो आपने दिखाया, आपका जो भी तो धन्यवाद कर रहे हैं। सिसौली की समस्या बताइए। सिसौली तो भैया इंडिया फेमस नहीं वर्ल्ड फेमस हो चुका है। सिसौली की समस्या है, 4 बजे तक पीछे तो सामने तक गाड़ी नहीं मिले, ऊँगा मुजफ्फरनगर तक नहीं मिले। अच्छा। जिसका मोटरसाइकिल हो बुला लो, नहीं तो रास्ते में धक्के खाते आओ। अच्छा। यह तरक्की है सिसौली की तो। अच्छा। तो हुआ नहीं, 4.5 साल हो गए योगी जी सर। या नहीं सड़क देख लो तुम, जोन सी सड़क पर कोई हो कहीं कोई सड़क देखी क्या? जैसी सड़क हमारे गाँव माने की है कोई नहीं, इनके विकास करवाया। योगी जी का तो वादा था गड्ढा मुक्त सड़क, गड्ढा रहेगा ही नहीं सड़क पे 3 महीने। भाई आधो गड्ढे में कोई गिरेड रहे सब, और गड्ढे थे तंग आ गए। अच्छा। हाँ बहुत बुरी सरकार आई। हाँ। इस सरकार तो पंडा छुटवा देंगे। अच्छा। या तो लोक दल के लगातार 3 योजना 15 साल। हाँ। और लोग ने और ना तो विधायक होकर बनाया, उनने अपना खोया। अच्छा। लेकिन जनता इकट्ठे करे और इस जाट बिरादरी को एक रखे, इन पर कुछ आफत नहीं आने की शायद रहा। हाँ। ने अपना खोया लेकिन जनता का साथ दिया। अच्छा ये बताइए कि राकेश टिकैत ने एक नारा दिया अल्लाह हू अकबर हर हर महादेव, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई वो तो चौधरी टिकैत साहब के आगे भी जय बोला थी, जब किसी ने कुछ नहीं कहा भी मुद्दा बना दिया। और उन्होंने सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ उन्होंने तो नहीं सवाल पूछ रहा हूँ, लगातार बीजेपी पूछ रही है। चौधरी टिकैत साहब ने कहा कि चौधरी टिकैत साहब के सामने भी अल्लाह हू अकबर और जय श्री राम के नारे लगे थे, उसने अपने तरफ से नहीं लगवाया। उस बात को पूरी सुनो तो पूरी सुनो, मैंने पहले बताया कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा ही हो जाओ। नई बात तो कुछ नहीं कही जिसका विरोध होवे, जो कोई नई बात कहते नई बात बुंदा कहते उसका तो विरोध होता। विरोध की तो कुछ बात ही नहीं कही कि चौधरी टिकैत साहब के सामने हर हर महादेव और अल्लाह हू अकबर के नारे लगे थे,
तो आज भी ऐसे ही संगठन बनाओ जो आपस में भेदभाव है वो दूर करे, तो भेदभाव को दूर ही तो करे, लड़ तो किसी से नहीं रहे। अच्छा ये बताइए कि टिकैत साहब आते हैं तो क्या कहते हैं गाँव में, क्या कहते हैं, मतलब मुलाकात वगैरह होती है तो क्या कहते हैं आके? टिकैत सिंपल सीधे आदमी, सम्मोठने बैठने वाले, वे अगर गाड़ी में आओगे गाड़ी यहाँ छोड़ देंगे, पैदल बैठते हुए लोगों के दौरे जाएंगे। हाँ जी, और हम इतना प्यार करें, रात को आवाज दो हमें 12 बजे, हम वहाँ आने के नहीं, हम खून मांगेंगे, हम खून देंगे। तो फिलहाल यहाँ के गांव के लोग तो पूरा अलर्ट होंगे कि भैया कब फोन आ जाए बॉर्डर पे। नहीं अलर्ट है, हमने यहाँ तो मायावती ने सैनिक भेजे थे, वे तड़की भेज दे थे उल्टे, नुके थे 4 बजे कपलो इन्हें पर पढ़ने दिए थे, उल्टे भेज दे थे। अच्छा, तो यहाँ तो लोग बाग सब साथ है चौधरी साहब की। ठीक है, तो युवा पूरा अलर्ट है, अलर्ट है। और जो भी ये 5 सितंबर की महापंचायत, इसमें भाजपा ने देख भी लिया कि कितना किसान आक्रोशित है, और जिस तरह ये नारे अल्लाह अकबर के छोटी वीडियो बनाकर शेयर कर रहे, तो ये भाजपा अपने मोर्चे में अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों रखे, संघ में भी तो मोर्चा है मुसलमानों का। और इनके ज़्यादातर जो इनकी लड़कियाँ हैं बड़े बड़े जो हिंदू के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी लड़कियाँ ज़्यादातर मुसलमानों के हैं, तो इस तरह हिंदू मुस्लिम बांट के पाकिस्तान के नारे लगवा कर राष्ट्र जो इनकी वोट देते हैं वो राष्ट्रभक्त, जन की वोट ना दे वो देशद्रोही, यही चलने का नहीं। मोदी जी और योगी जी कान खोल कर सुन लें, अब देश का नौजवान और किसान जाग चुका है, तुम्हारा इलाज करने का काम करेंगे। ये वही नौजवान है जिन्होंने तुम्हें भड़का कर दंगे कराए, तुमने 2013 का दंगा आज तक मुजफ्फरनगर इसका दर्द झेल रहा है, जितना नुकसान हमारा हुआ, हमारे भाईचारा का नुकसान। गाँव के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि हम तो कह रहे थे भाजपा को मत वोट दो, हमारे लड़के नहीं माने, लड़कों ने जाके फंसा दिया हमें। देखो इन्होंने दो करोड़ साल का नौकरी का वादा किया, हमारी 14 करोड़ नौकरी कहाँ है? लगातार ये निजीकरण कर रहे, आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उन्होंने बेच दी, अगर कोई हड़ताल करे कर्मचारी उसे 2 साल की जेल होगी, सब कुछ निजीकरण कर दिया। कहते हैं जो देश को बेचेगा, जो देश की प्रॉपर्टी बेचेगा वो राष्ट्रद्रोही हो, उसे जेल हो। इन्होंने तो लाल किला, इंडिया गेट सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, तेल बेच दिया, इन्हें तो सीधी फंसी की सजा होनी चाहिए। जिस तरह मोदी जी अंबानी और अडानी गोदी में बैठ कर देश को बेचने का काम कर रहे, हमारे 600 किसान शहीद हो गए, उनका पता सता ले जा रहा, और मोदी का अंबानी अडानी का बच्चा पैदा होता है तो सब मोदी खिलान जा, मोदी तेरा इलाज करेंगे। ये वही मुजफ्फरनगर है जिसकी महापंचायत था, यहाँ से 2014 में भाजपा आई थी और इसी पंचायत था भाजपा जागी। अच्छा, तो सबके पूरे सिसोली के लोग इलाज करते हैं क्या? ठीक है, ऐसा ही बार बार यही जो सिसोली पूरे भारत। अच्छा, पूरे भारत पूरा सिसोली का इलाज कैसे होगा? जिला मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर 2013 में दंगा हुआ था, जिला मुजफ्फरनगर पूरे भारत में घूम गया था, जिला मुजफ्फरनगर भारत में घूम गया था दंगा, मोदी की लहर आ गई थी। हाँ, राजनाथ सबसे पुराना भाजपा में बोलना नहीं देता, नहीं मोदी मोदी को नहीं बोलना देता अमित शाह। आप लोग राजनाथ सिंह ठीक है अगर रहते तो कुछ होता हो पाता है? जो इसका नाम ना हो भी राजनाथ प्रधानमंत्री होता आज का। और राजनाथ सिंह अगर उनको फ्रंट में लाया जाए तो क्या किसानों की समस्या सॉल्व हो सकती है? हाँ, समस्या हल भी सब कुछ हो जाएगा जो राजनाथ सिंह को बैठा में बनाते हैं। हाँ, बता पूरा लफ्ज खोल कर, अगर राजनाथ सिंह को ये बना दें तो 100% किसान की बात सुनोगे, किसान का समझौता हो जाएगा। ये तो नालाक बैठे, इन तक आदमी नहीं है कोई भी, ये किसान को समझे, किसान तो इस जात का अंदाता है देश का। अच्छा, किसान अगर राजनाथ सिंह को पूरी तरह खुली छूट दे दी जाए किसानों से बातचीत करने के लिए तो मामला मैटर सॉल्व हो जाए? हाँ, एकदम मैटर सॉल्व हो जाए एकदम, एक मिनट में अगर राजनाथ सिंह को खुली छूट दे दिया सरकार तो मामला एकदम सॉल्व हो जाएगा तुरंत। पता है किसान गिरी क्या है? राजनाथ सिंह को पता किसान गिरी क्या है, कितना इसमें लाभ है, कितना इसमें नुकसान है, तो ये है बात जी, भी तो मिल जाएगी वो। संज्ञान में मैं जाना बाढ़ में भूल रहा, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, हमारा जल्लूस गांव चौधरी साहब की महेंद्र सिंह टिकट लेगा लखनऊ, राजनाथ सिंह ने कहा जा आजान दो इन्हें, ये किसान है हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं, और उनने बुला लिया वहाँ मकान पे, उन्हें चाय किसानों को नाश्ता सब खर्चा करा, दिल में जगह है उनका, उनके दिल में जगह है किसानों की, चौधरी साहब महेंद्र सिंह टिकेट की रही, ये भी राकेश टिकेट की, प्रेशर बन गया क्या उनको तक, राजनाथ सिंह का सरकार का, मोदी का प्रेशर है, मोदी का दो की चली सरकार में और किन चलती किसी की भी, और तो सब बछड़ू है सरकार बीजेपी की, कहा है सरकार तो मोदी की और अमित शाह की है,
और सब पर ताड़े लगा रखे, कोई अपनी जुबान तो कुछ नहीं कह सकता। जिन्होंने भाजपा खड़ी करी अपने खून से सींची, आडवाणी कहा है वो अपने घर बैठा, मुरली मनोहर जोशी कहा है जिसने खड़ी करी, कोई भी नहीं पूछ रहा। अरे जिन्हें राष्ट्रपति बनाना पूछा था वे अपने घर बैठे, इन्होंने आत्मा घोष लिया था ताना सा है। तमाम लोग जो है, तमाम किसान जो है 2022 की तैयारी कर रहे हैं 2024 की। नहीं, हम तो 22 और 24 दोनों में मरनेंगे, 22 और 24 दोनों में मरनेंगे। हाँ जी भाई, लड़ाई योगी सरकार से मोदी सरकार से? नहीं, जो तानाशाही होगी ना अभी, या तो तालिबानी तानाशाही होगी जो कर चाहेंगे चलेगा, नहीं तो नहीं होने का काम। अभी अभी एक लव सुना मैंने टीवी पे, मौर्य नु कह रहा, मौर्य उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री नु बोल रहा, आने वाले वक्त में 2022 में जनता हमारे साथ है। और वहाँ बैठा कहाँ है बिरादरीगंज पत्र, कौन से देश का मौर्य योगी है उत्तराखंड का, वहाँ करो मुख्यमंत्री बनना या दिल्ली करो राष्ट्रपति बनो, यहाँ के उपी में मुख्यमंत्री बन रहा। आप लोगों ने बनाया? हाँ, हमने नहीं बना, आप लोगों ने चुन मोदी ने बना। अच्छा। हाँ, मोदी ने बना, इसका तो नंबर भी नहीं था, नहीं संसद में रोया आयु। कब रोया? जी मुलायम ने वो करवा दिया था, किसी और के चेहरे वोट दिया, फिर योगी जी आ गए। वो तो नाम लिस्ट में दिया, किसी और के चेहरे पे दिया होगा। मोदी के चेहरे पर दिया था 2014 में, अब नहीं। अच्छा। वो लहर थी। हाँ, ये भी लहर है किसकी? किसकी? किसानों की। अच्छा, किसानों की लहर है, और की लहर नहीं। किसान कहाँ जाएगा? 2024 तक लगातार चलती रहेगी। हाँ, कहाँ जाएगा? तो बूझ, किसान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इस सरकार को घेर कर जाएगा। अच्छा। हाँ, इस सरकार को आप दिल्ली दिल्ली बैठेंगे और सरकार को वापसी भेजेंगे। हम जहाँ से आई थी, अमित शाह वंगे ही है गुजरात के, 2024 तक चलते आदमी चोर है, सब चोर। 2024 तक लगातार लड़ाई चलेगी? हाँ, बराबर लड़ाई चलेगी, बराबर बराबर। चलो फिर क्या मतलब आगे ऑप्शन क्या लग रहा है? मतलब 2024 तक चली, 2024 में सपा की सरकार आवेगी, गठबंधन की, अजीत सिंह की? नहीं, 2024 में प्रधानमंत्री यानी बनने गए, कांग्रेस की सरकार आवेगी, गठबंधन की। भाभी गठबंधन, हाँ बहुत बढ़िया, किसान जैसी रही पहले से। राजीव गांधी ने हमें 400 ट्रैक्टर दिए थे, भोपन एरमो पड़े हुए, ये तो सब बेकार है। और सरकार तो ऐसा है, कांग्रेस नु बढ़िया, राजीव गांधी तू तो छोटा था, बहुत छोटा। हाँ। जी मारे चोसा महेंद्र सिंह टिकट गए सिसोली से दिल्ली। हाँ। विदेश यात्रा की। हाँ। उसमें हुक्का। हाँ। हुक्का देखा होगा आपने। हाँ। हुक्का। हाँ। और आग। हाँ। जहाज में गए थे, रोक दिए थे अफसरों ने। हाँ। उनसे फोन मिला राजीव गांधी के। हाँ। राजीव गांधी ने जान दो टिकट साहब को, जान दो हेलीकॉप्टर में, जान दो आग भी हुक्का भी। हुक्का ले उठा के दिखावे, हुक्का देखा तो मुर्मिन थी जी पर ऐसा वाला कर रखा। हाँ, लिया दिखाओ जरा। तेरी उम्र तो थी नहीं जब हुक्का और आग गया जहाज में, विदेशों में। देखिए टिकैत साहब का वो हुक्का अभी भी इन्होंने संभाल कर रखा है गांव में। हवाई जहाज मंगाया था उनका हुक्का, और उन्हें पहला मेरे रिपोर्ट में निकली गई कि यहाँ कोई आग नहीं करेगा। चो साहब ने कहा हुक्का भर के ले आओ, हुक्का नहीं है। चो साहब कहने लगा करो भर। ये वही हुक्का है, ये वही हुक्का है जो टिकैत साहब लेकर गए थे। कोई बदलाव नहीं, कुछ बदलाव नहीं हुआ हवाई जहाज में गए हुक्का। हाँ, यही तो हुक्का हो, यही वही टिकैत साहब वाला। हाँ, टिकैत साहब वाला हुक्का है, हवाई जहाज में गया। किसान पीते हैं जिसको, दिखाओगे? देखिए ये कह रहे हैं कि ये वही हुक्का है जो टिकैत साहब यानी कि बाबा टिकैत जो है हेलीकॉप्टर में लेकर चढ़े थे आज से सालों पहले। चलिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई है और पूरी तरीके से जो है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया जो है इस गांव को मतलब पहचान रहा है। वोट क्लब पर राजीव गांधी की रैली थी। हाँ, इंगा चौधरी साहब ने अपनी तारीख दर दी। हाँ, तो यह तो किसान यूनियन थी, अपना एक जो है संगठन था। हाँ, तो प्रधानमंत्री का पद जो है वो बहुत बड़ा हो, लेकिन जब उन्हें पता लगा अपनी तारीख हटा के पंचायत दूसरी जगह करी थी, चौधरी साहब की पंचायत हुआ करवाई थी। हाँ जी, ठीक है जी, तो अपनी कैंसिल कर ली थी। और ये क्या करे, ये तो पानी, आप लोग थे उस समय। हाँ जी, और ये क्या है, ये तो पानी भिगवा देंगे गर्म पानी और लट बजवा देंगे, ये हटा लेंगे अपनी साल की उम्र होगी। अरे जी, जिसने इस गांव पर नजर गिरी आज लो वह सरकार रही नहीं, चौधरी साहब पर जिन्हें नजर डाली वह सरकार यहां तक ध्वस्त होगी। केंद्र में तभी हो या उत्तर प्रदेश में तो हो, वह सरकार रही नहीं। मायावती हो या मुलायम सिंह हो या बसपा हो या बीजेपी हो, वह सरकार आज लो रही नहीं। मतलब बीजेपी तो पहली बार आई है।
नहीं इससे पहले बीजेपी रही, हाँ इस नब्बे में नहीं बीजेपी, कल्याण सिंह रहे, हाँ तो अलविदा कर दे। देखो जो ये सरकार है या ना तो भाजपा की सरकार है, ये मोदी सरकार है, और मोदी सरकार है अंबानी अडानी की। ये गुजरात के व्यापारी है, व्यापारी और भिखारी का कोई देश नहीं होता। जहाँ उसे मिल गया, जहाँ उसका पेट भर गया, वो वहीं उसका देश हो। तो यहाँ तो इतने बुरे हालात कर दिए हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कई हजार करोड़ रुपये गन्ना बकाया है। 14 दिन का वादा था, ना 14 दिन का भुगतान होता ना ब्याज मिलता। गन्ने की हालत देख लो, कोई रेट नहीं पड़ा, 325 रुपये मिल रहे, 450-450 रुपये की लागत आ रही है कुंटल में। तो बिल्कुल किसान शोषित है। इन्होंने 500 रुपये का वादा करके मेरठ की रैली में मोदी जी कह रहे थे कि हम गन्ने का रेट 500 रुपये करेंगे उत्तर प्रदेश में, 14 दिन में भुगतान दिलाएंगे। लेकिन किसी भी वादे पर सरकार खरी नहीं उतरी। अब की बार ये किसानों को फंस गई, किसान इसे इलाज करेंगे इसका पटिडाल। हाँ अब तक तो पूरी तैयारी है, पूरे हम तैयार हैं। या तो एक महापंचायत झलक थी, ऐसी झलक है आपको उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय लोकदल लग रहा है आप लोग, ऐसा है किसान समझ गया किसान को वोट कहाँ देनी। किसान को पता, किसान ने भाजपा को भी दी, राष्ट्रीय लोकदल को भी दी, ये पता किसान कहाँ देगा। किसान समझदार है, जब किसान जो है बनाना भी आवे, उस पर बिगाड़ना भी आवे। क्या औकात है सरकार की? अच्छे बड़े बड़े धुरंधर, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, 24 में सरकार बना के इसके बाद कानून हटवाएंगे। ऐसा है, हम ले रहे डोज। ये जो भाजपा है महामारी है देश में, इसे 2 डोज देंगे, 1 22 में और 1 24 में, बिल्कुल खत्म कर देंगे देश में महामारी, इलाज कर देंगे बिल्कुल इनका। अच्छा, हाँ इन्होंने गलत पंगा पह लिया किसानों का। अच्छा तो ये बताइए कि अभी बॉर्डर पे गए हुए कितने दिन हुए? मैं बॉर्डर पे लगातार हमें 9 महीने हो गए। मैं 27 नवंबर से लगातार किसान क्रांति गेट गाजीपुर पर उपस्थित हूँ। लेकिन जिस तरह सरकार तानाशाही रवैया अपना के 29 जनवरी को आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लाठियों के दम पर आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रही थी किसान आंदोलन का। अच्छा, उस रात में थे आप? मैं उस रात में मौके पर मौजूद था। उस दिन किसान आंदोलन का झंडा 20 साल के लिए दफन होने वाला था, लेकिन हमारे शेर राकेश टिकैत ने कह दिया था कि मैं झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा यहीं, लेकिन यहाँ बॉर्डर खाली नहीं करूंगा। पूरे देश की मीडिया का भी धन्यवाद है जिन्होंने लाइव दिखाया उस भयानक उसको जो दृश्य था वहाँ का। और जिस तरह की सरकार रवैया बना रही है, इतनी डरपोची सरकार हमने देखी, यानी दो आदमी से डर रही। किस बात के? मतलब अब इतनी सरकार को इतना दबाव है, फिर भी इतना रिस्क ले रही है, क्या क्यों रिस्क ले रही है? देखो अगर ये भाजपा की सरकार होती तो सुन लेती। ये मान्य डाणी की सरकार है, दो आदमी कॉर्पोरेट की सरकार है, इतना डर रहा सरकार। मान लिया अगर यहाँ से हम भी ऐलान कर दे कि हम 10 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाएंगे, तो शायद हम यहाँ से 10 किलोमीटर ना जा पाए, इतनी डर रहा है सरकार। अच्छा। बढ़िया है ना, अगर असली सरकार होती, लटके दम पर सरकार बनी हुई होती, तो अड़ती किसानों के सामने। ये दंगे करा के सरकार बनी हुई है, हिंदू मुस्लिम को भड़का के गाय राष्ट्रभक्ति इंसान लग, इनके द्वारा क्या है? इनका बड़े बड़े पत्रकार है संबित पात्रा, राष्ट्रभक्ति, गाय, हिंदू मुस्लिम, तालक बोल जा, यही मुद्दा है इनके पास। कभी विकास की बात नहीं करी इन्होंने। चलिए देखिए, अलग अलग विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कवरेज कर रहे हैं, फिलहाल करनाल बॉर्डर पर थे और करनाल बॉर्डर से एक चीज और सीधा। हाँ बताइए। आज तक जब से प्रधानमंत्री बने हाँ। मोदी, आज तक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर 2 फूल नहीं चढ़ा सका, आज तक चढ़ाए बताओ कहीं को रिकॉर्ड हो। एक मिनट चढ़ाया, आज तक एक फूल लेके नहीं गया आज तक चौधरी साहब की मूर्ति पे। चौधरी साहब तो प्रधानमंत्री रहे देश के, बहुत अच्छे लीडर थे, महान आत्मा थी, आज तक तो फूल नहीं चढ़ा सका। जनता क्या भला करता था? और जो अपनी घरवाली का भला नहीं कर सका, जनता क्या भला करता था? चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम सिसौली में मौजूद हैं और राकेश टिकैत घर जस्ट पीछे है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर राकेश टिकैत का घर है। और तमाम लोग हैं जो घर के आसपास के लोग हैं, वो हुक्का भी इन तमाम लोगों ने दिखाया जो बाबा टिकैत के जमाने का हुक्का है। तो चलेंगे आगे भी विधानसभा में और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के हम दिखा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए नमस्कार।